हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं OnePlus की तरफ से लॉन्च होने वाले एक और नए स्मार्टफोन के बारे में। देखो भाई, OnePlus की तरफ से ये चीज पहले ही कंफर्म कर दी गई थी कि OnePlus 9 और OnePlus 9 Pro का जो T वेरिएंट है, OnePlus 9T और 9T Pro, वो लॉन्च नहीं होने वाले हैं। लेकिन पूरी कहानी ये नहीं है भाई, पूरी कहानी ये है कि OnePlus 9 सीरीज में आपको तीन स्मार्टफोन्स देखने के लिए मिलते हैं, तो केवल OnePlus 9 और 9 Pro का T वेरिएंट नहीं आएगा, लेकिन OnePlus 9R का T वेरिएंट, OnePlus 9RT बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। प्रोबेबली अक्टूबर के महीने में ये वाला स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। एंड इस स्मार्टफोन से जुड़ी मैक्सिमम स्पेसिफिकेशंस ऑलरेडी लीक हो चुकी है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं OnePlus 9RT से जुड़ी सारी चीजों के बारे में, क्या क्या पॉसिबल स्पेसिफिकेशंस यहां पर आपको मिल सकते हैं, क्या कुछ फीचर्स मिल सकते हैं, किस प्राइस पॉइंट पर इंडिया में आ सकता है, ओवरऑल कैसा रहने वाला है ये फोन, सारी चीज डिस्कस करेंगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई बातचीत को, और सबसे पहले हमेशा की तरह बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन में आपको बहुत बड़े डिफरेंसेस देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं, छोटे मोटे इधर उधर चेंजेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। मेजरली बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वैसे ही रहेगा जैसा OnePlus 9R का था। फुल ग्लास बिल्ड रहेगा, ग्लास फ्रंट ग्लास बैक, एल्यूमिनियम का फ्रेम यहाँ पर आपको मिलेगा। आगे पीछे दोनों तरफ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है, तो बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड यहाँ पर आपको मिलती है। आईपी रेटिंग भी यहाँ पर आपको मिल जाती है, तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है। एंड डिजाइन लैंग्वेज की बात करें तो वही डिजाइन लैंग्वेज फॉलो किया जाएगा जो OnePlus 9R के अंदर आपको मिलता है। बैक पैनल में टॉप लेफ्ट में रेक्टेंगल शेप्ड कैमरा सेटअप मिलेगा, जहां पर चार कैमरास की हाउसिंग है। अब कैमरा के लेआउट को थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है, बाकी टॉप लेफ्ट में रेक्टेंगल में चार कैमरास आपको मिलेंगे, उसी के साथ में OnePlus की ब्रांडिंग पीछे की तरफ मिल जाएगी। फ्रंट में अगर बात करें तो टॉप लेफ्ट में आपको पंच होल मिलेगा, पतले पतले से बेजल्स मिलेंगे, हल्की सी चीन यहां पर आपको मिलेगी। एंड कलर्स की बात करें तो दो तीन अलग अलग कलर में, व्हाइट कलर में, ग्रे कलर में, ब्लैक कलर में, तीन चार अलग अलग कलर्स में आपको फोन मिल सकता है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के मामले में आपको कोई शिकायत नहीं आएगी, बढ़िया बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको मिलेगी, साथ ही में डिजाइन भी फोन का काफी सोबर रहने वाला है, तो यहां पर आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है। डिस्प्ले की अगर बात करें तो डिस्प्ले यहां पर आपको वैसे ही मिलने वाला है जैसा OnePlus 9R के अंदर मिला था, मतलब 6.55 इंचेस का डिस्प्ले रहेगा। फुल एचडी प्लस का आपको रिजोल्यूशन मिलेगा, फ्लूड एमोलेड पैनल दिया गया है जो कि टॉप लेफ्ट में पंचोल के साथ में आता है। 20:9 का एस्पेक्ट रेशो रहेगा, साथ ही में 405 ppi की पिक्सल डेंसिटी मिलेगी, तो कंटेंट वॉचिंग के लिए डिस्प्ले काफी अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ यहां पर आपको HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा, वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, तो कंटेंट वॉचिंग करने में आपको मजा आने वाला है। एंड अगर आपको गेमिंग करनी है तो 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट यहां पर आपको मिलेगा, 240 हर्ट्ज के आसपास का यहां पर आपको टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। तो ओवरऑल अगर डिस्प्ले की बात करें, चाहे वो कंटेंट वॉचिंग के लिए हो चाहे वो गेमिंग करने के लिए हो, डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर आपको काफी अच्छी मिलने वाली है। आगे चलते भाई बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो ऐसा बताया जा रहा है कि इस फोन के अंदर आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट, लेकिन ये वाला जो 870 चिपसेट रहेगा ये थोड़ा सा अपडेटेड चिपसेट रहेगा, थोड़ा सा हायर बिंड वर्जन रहने वाला है। और कहीं कहीं तो ये भी बताया जा रहा है भाई कि ये वाला जो चिपसेट है 870 प्लस हो सकता है, जो कि क्वालकॉम की तरफ से अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन 870 का स्लाइटली अपग्रेडेड वर्जन होने वाला है। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा भाई कि कौन से चिपसेट के साथ में आता है। रहेगा 870 हो सकता है या 870 प्लस हो सकता है। 7 नैनोमीटर का चिपसेट रहेगा, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़िया रहेगी, हीटिंग का इशू आपको नहीं मिलेगा, सीपीयू परफॉर्मेंस मक्खन मिलेगी, गेमिंग परफॉर्मेंस मक्खन मिलेगी, LPDDR5 रैम यहां पर आपको मिलेगी, साथ ही में UFS 3.1 वाला स्टोरेज मिलेगा। परफॉर्मेंस में आपको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, टॉप नॉच परफॉर्मेंस यहां पर आपको मिलेगी, कोई शिकायत आपको परफॉर्मेंस में नहीं आने वाली है। कैमरास की अगर बात करें तो चार कैमरास का सेटअप आपको पीछे की तरफ मिलेगा। OnePlus 9R में आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया था, लेकिन यहां पर उसको रिप्लेस कर दिया गया है सोनी IMX766 सेंसर के साथ में, मतलब 50 मेगापिक्सल्स का कैमरा यहां पर आपको मिलता है। ये वही कैमरा है जो आपको OnePlus 9 के अंदर देखने के लिए मिला है, वही कैमरा है जो आपको OnePlus Nord 2 के अंदर देखने के लिए मिला है। 50 मेगापिक्सल्स का सोनी IMX766 सेंसर रहेगा प्राइमरी कैमरा, जहां पर आपको OIS का सपोर्ट मिल जाएगा, साथ ही में 16 मेगापिक्सल का यहां पर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा रहेगा, 2 मेगापिक्सल का मोनो सेंसर रहेगा, चार कैमरास पीछे की तरफ मिलेंगे, 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 एंड 60 FPS पर,
फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो शायद यहां पर आपको 32 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल सकता है, 16 या 32, 16 या 32, मतलब 50-50 चांसेस है भाई कि यहां पर आपको 16 मेगापिक्सल्स भी मिल सकता है और 32 मेगापिक्सल्स भी मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो कैमरा सेटअप यहां पर आपको काफी अच्छा मिलेगा, कैमरा मॉड्यूल से भी आपको कोई भी शिकायत यहां पर नहीं आने वाली है। बैटरी की अगर बात करें तो बैटरी मॉड्यूल में आपको कोई भी अपग्रेड्स देखने के लिए यहां पर नहीं मिलेंगे, वही 4500 एमएएच की बैटरी आपको मिलेगी, 65 वाट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करेगा, 65 वाट का वॉप चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा, 31 मिनट्स में आपका फोन 0 से लेकर 100% तक चार्ज हो जाएगा एंड बैकअप भी एक दिन का फोन दे जाएगा। तो भाई बैटरी मॉड्यूल में आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है, बैटरी मॉड्यूल यहां पर आपको काफी अच्छा मिल जाता है। चार्ज करने के लिए आपको टाइप सी वाला पोर्ट दिया गया है, हमारा प्यारा दुलारा 3.5mm का खड्डा 3.5mm जैक आपको इस फोन में नहीं मिलेगा। वैसे भी भाई OnePlus के जो प्रीमियम सेगमेंट के फोन रहते हैं वहां पर आपको 3.5mm जैक नहीं मिलता है, इस फोन के अंदर भी आपको 3.5mm जैक नहीं मिलने वाला है। सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड सेंसर्स की बात करें तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिलेगा, फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, छुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर मिलेंगे, सेंसर में आपको कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, ये वाला जो फोन है आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेगा एंड्रॉइड 12 के ऊपर, यस एंड्रॉइड 12 यहां पर आपको मिलेगा, उसी के साथ में ऑक्सीजन ओएस 12 मिलेगा जिसका ओप्पोफिकेशन हो चुका है। ओप्पोफिकेशन मतलब कलर ओएस का कोड बेस रहेगा लेकिन जो स्किन है वो आपको ऑक्सीजन ओएस वाली ही मिलने वाली, मतलब आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा वो तो ऑक्सीजन ओएस वाला क्लीन एक्सपीरियंस नीट एक्सपीरियंस ही रहने वाला है, लेकिन आपको उसमें ओप्पो वाले फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। ओवरऑल सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर में आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपका काफी अच्छा रहने वाला है। स्पीकर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने के लिए मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ऑडियो आउटपुट काफ़ी अच्छा रहने वाला है, काफ़ी क्रिस्प काफ़ी क्लियर ऑडियो आउटपुट निकल के आएगा तो उसमें आपको कोई भी शिकायत नहीं आएगी। एंड कार्ड स्लॉट की बात करें तो यहाँ पर आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको केवल 2 नैनो सिम लगाने का ऑप्शन मिलता है। तो ये चीज़ चल रही है भाई, तो चल रही है, वैसे अगर हाइब्रिड दे दिया जाए तो काफ़ी अच्छी बात होती है, लेकिन यहाँ पर आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। वेरिएंट्स की अगर बात करें तो 3 वेरिएंट्स में आपको फोन देखने के लिए मिल सकता है, 8GB+128GB, 8GB+256GB एंड जो टॉप वेरिएंट रहेगा वो रहेगा 12GB+256GB वाला। एंड प्राइस पॉइंट की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो बेस वेरिएंट है 8+128 वाला वो आपको 40-43 हज़ार रुपये के आसपास मिल सकता है। मेरे को लगता है 42999 में ये वाला स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है एंड इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ओवर प्राइस है, लेकिन OnePlus की ब्रांडिंग आपको मिलती है तो मेरे हिसाब से प्राइस पॉइंट जो है वो डिसेंट हो जाता है, इट्स नॉट दैट एग्रेसिव और उतना ज़्यादा खराब भी नहीं है भाई, क्योंकि OnePlus की ब्रांड वैल्यू आपको मिलती है तो मेरे हिसाब से प्राइस पॉइंट जो है डिसेंट प्राइस पॉइंट होगा अगर ये फोन 43,000 के आसपास भी अगर इंडिया में लॉन्च हो जाता है। ये वाला जो स्मार्टफोन है केवल और केवल इंडिया और चाइना में लॉन्च किया जाएगा, ये स्मार्टफोन ग्लोबली लॉन्च नहीं होने वाला है, स्पेशली फॉर इंडिया एंड चाइना ही होने वाला है। ग्लोबली OnePlus की तरफ से 2 स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिलेंगे, अब वो कौन से रहने वाले हैं, नॉर्ड सीरीज के रहेंगे लेकिन कौन से स्मार्टफोन्स रहेंगे वो चीज़ अभी तक पता नहीं पड़ी है, लेकिन OnePlus की तरफ से 2021 में आपको 3 नए स्मार्टफोन्स देखने को मिलने वाले हैं जिसमें से OnePlus 9 RT एक रहेगा जो डेफिनेटली इंडिया में आपको देखने के लिए मिलेगा। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए ये वाला स्मार्टफोन किस प्राइस पॉइंट पर इंडिया में आना चाहिए, किस प्राइस पॉइंट पर आप इस स्मार्टफोन को खरीदना पसंद करेंगे, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।